अगर मुझे तुम्हारे भाई इंस्पेक्टर विजय का ख्याल न होता तो मैंने तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया होता। तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें कॉलेज के इलेक्शन में खड़े होने की इजाजत नहीं। ये तो सरासर ज्यादती है। तुमने उनसे कहा क्यों नहीं कि ये गंदी चाल किसने चली और क्यों चली? कुर्सी को पाने के लिए जो कुछ भी किया जाए उसे चाल नहीं राजनीति कहते हैं, और इसीलिए तो मैं इसे नफरत करता हूँ। लेकिन हम उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, कॉलेज में स्ट्राइक करवा सकते हैं। छोड़ो भी, इस बहाने जो इनाम मुझे मिला मैं तो उसी से खुश हूँ। इनाम? हाँ, तुम्हारा प्यार, ये कोई इनाम से कम थोड़ी है। अरे ये क्या मजाक है भाई, कौन थे ये लोग? हमारे कॉलेज के तो नहीं थे। खैर जो भी थे, आज की पिटाई वो कभी नहीं भूलेंगे। चलें। अजय, अरे भैया आप यहाँ कैसे चले आए अचानक? बैठे ना। किन लोगों ने तुझ पर हमला किया था? ज्यादा चोट तो नहीं आई? आपको कैसे पता चला? पुलिस वाला हूँ, लोगों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है, और फिर तू तो मेरा भाई है। भाई होने के नाते मेरी हिफाजत का ख्याल रखना वो तो ठीक है, लेकिन आजकल के पुलिस वाले सिर्फ अपनी कुर्सी का ख्याल रखते हैं। ये तू क्या कह रहा है? हमारे बाप दादाओं ने जिस वर्दी के लिए अपनी जानी दे दी उसके लिए तू ये कह रहा है? वो दिन कुछ और थे भैया, जहाँ वर्दी की कसम निभाना सिपाही की शान होती थी, लेकिन आज के जमाने में वर्दी की हैसियत ही क्या है? वो एक बंदिश है, बंदिश। आज का दौर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का, जहाँ कुर्सी पर बैठने वाला सिर्फ अपनी कुर्सी संभालने की सोचता है। वो डरता है, झुकता है पैसों के सामने, बड़े नेताओं के सामने, ना कि अपने कानून के सामने। मुझे आज भी वो हादसा साफ याद है, जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में था। अबे साले अंधे, गाड़ी क्या गया, दिखता नहीं गया? अबे जाता कहाँ है, एक्सीडेंट करके भागता है। चल निकल। शराब पी रखी है? चल पुलिस स्टेशन चल। ये कौन है? इसने अपनी गाड़ी से एक आदमी कुचल दिया है, शराब भी पी रखी है। तेरे बाप के पैसे के नहीं पी। शराब, यू शराब। इंस्पेक्टर कुमार जी। जी, 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 जी। कैसी बातें करते हैं, आपकी सेवा करना तो हमारा धर्म है। जी धन्यवाद। चंद्रकांत जी आप जा सकते हैं। ये सब क्या है इंस्पेक्टर साहब? इसे यहां लाकर कानून के जो आपने सेवा की है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप भी जा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं आपने इसे छोड़ा क्यों? आप क्यों अपना और मेरा वक्त जाया कर रहे हैं, जाइए ना। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे उसको छोड़ने की वजह नहीं बताते। वो आदमी एक मुजरिम, उसके जुर्म का चश्मदीद गवाह मैं हूँ। आप जानना चाहते हैं? वो इस इलाके के एमएलए का बेटा है और उन्हीं का फोन आया था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। आप उस एमएलए की नौकरी नहीं सरकार की नौकरी करते हैं। लेकिन सरकार वो चलाते हैं, कानून वो बनाते हैं। अगर मैं उनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे नौकरी से निकलवा सकते हैं, मेरा तबादला किसी छोटे से गांव में करवा सकते हैं। आपको नौकरी की फिक्र है, तबादले का डर है, और ये वर्दी जिसकी कसम खा के आपने कानून की हिफाजत करने का वचन दिया था उसकी आपको कोई परवाह नहीं? उसके लिए आपका कोई फर्ज नहीं? कौन है जिसे अपने फर्ज की परवाह है? मैंने बेशुमार ईमानदार ऑफिसर्स को झूठे केसेस में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे जाते भी देखा है, और सस्पेंड होकर बेकारी में शराब पी पी के मरते भी देखा है। न मैं सस्पेंड होना चाहता हूँ और न मैं जेल जाना चाहता हूँ। मैं तो जिंदगी के बाकी दिन भगवान के सहारे अपने बाल बच्चों को लेकर सुख में गुजारना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार के इस दौर में कई पुलिस वाले बड़े लोगों के दबाव में आ जाते हैं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है। अब मुझे देख, मैं तेरा भाई तेरे सामने खड़ा हूँ, कभी मुझे किसी के सामने झुकते हुए देखा? एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है भैया, लेकिन एक अच्छी मछली सारे तालाब की गंदगी को दूर तो नहीं कर सकती। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तू बातों में बहुत होशियार है। फिलहाल तू अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, इस मामले में बाद में बात करेंगे। अच्छा ये बता, जिन लोगों ने तुझ पर हमला किया था उनमें से किसी को तू पहचानता है? कोई नाम, कोई निशानी? नाम तो नहीं जानता। एक आदमी के दाहिने गाल पर एक चाकू के घाव का निशान था। चाकू के घाव का निशान? तुम एक कॉलेज के मामूली लड़के को पकड़ नहीं सके? उसको कोई मामूली लड़का मत समझना भूषण। उसके लड़ने के स्टाइल से मालूम पता है कि वो 8-10 को आराम से मार सकता है। तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे आदमी के मुंह से एक लौंडे की तारीफ अच्छी नहीं लगती। नहीं भूषण, किसी की बात को इस तरह नजरअंदाज करना ठीक नहीं। हीरा हमारा खास आदमी, अगर वो किसी की बहादुरी की तारीफ करता है तो जरूर उसका कोई मतलब होगा। यस सर। फिलहाल इस चक्कर को भूल जाओ, क्योंकि अजय नहीं उसका बड़ा भाई विजय भी होशियार हो गया होगा। हम 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, वापस आने के बाद इस मामले को देखेंगे। और हाँ, इंस्पेक्टर राकेश को फोन कर देना कि हीरा को किसी भी जुर्म में गिरफ्तार कर ले, और गिरफ्तारी की डेट 2 दिन पहले की होनी चाहिए। यस सर। हीरा, तुम्हें एक रात लॉकअप में काटनी होगी, कल छोड़ दिए जाओगे। ओके सर। जयकिशन को हमारा मैसेज दे देना कि उसे छुड़ाने की कोशिश जारी है, वो अपनी जबान बंद रखे। जैकी, जैकी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। यही बोलना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जनार्दन साहब ने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है। कौन जनार्दन? मैं किसी जनार्दन को नहीं जाना। ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुम्हें छुड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम्हारी अंधी बहन को मार दिया जाएगा। नहीं हराम जादे, इंस्पेक्टर विजय की नजर दिल की किताब पढ़ लेती है। तेरी भलाई इसी में है कि तू अपने साथियों के नाम इन्हें बता दे। मेरा कोई साथी नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। तू ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं बोल सकेगा। तेरे साथियों ने मेरे छोटे भाई को किडनैप करने की कोशिश की ताकि वो मुझे ब्लैकमेल कर सके। पता कौन है तेरे साथी? और मैं तेरी जबान खींच लूंगा, तुझे पता कौन तेरे साथी? अबे बोल। सर, रिकॉर्ड रूम से जो आपने फाइलें मंगाई थी वो आ गई। के दाहिने गाल पर एक चाकू के घाव का निशान था। साले, मेरी शराब की भट्टी की शिकायत तूने पुलिस से की थी? की थी। ये शरीफों का मोहल्ला है। चुप रे बुड्ढे शरीफों के मोहल्ले के बच्चे। उठो बाबा, शर्म नहीं आती बाप की उम्र के आदमी पर हाथ उठाते हुए? अरे वाह, इस गंदी बस्ती में ये कमल का फूल कहाँ से आ गया? कमल का फूल नहीं, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। पब्लिक की सेवा करना, मजबूर और बेसहारों को सहारा देना मेरा फर्ज है। हम भी तो बेसहारा हैं, हमें भी सहारा दे दो मेरी रानी। मुझे तुम? हाँ मैं। कौन है बे तू साले? पहले तू बता, इतवार को कहाँ था? हीरा दादा से सवाल पूछने वाला 14 बस्तियों में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, तू कौन होता है बे? हाथ से बताऊं या जबान से? विजय, इतवार को तो ये पल्टन रोड पुलिस स्टेशन में था। क्यों बे, आज ही छूटा और आज ही अंदर जाने की हरकत कर रहा है? आज ही छूटा? हाँ,
इस मोहल्ले में मैंने इसे शराब की भट्टी लगाते हुए शनिचर को पकड़ा था, आज ही इसकी जमानत हुई है। मैंने सोचा देखा हूँ कहीं फिर कोई हरकत तो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कि इतवार को ये लॉकअप में था? क्यों? कुछ नहीं, ये बस्ती में दंगा फसाद कर रहा था। ले जाओ इसे, ले जाओ इसे। इसका मतलब है अजय पर किसी और ने हमला किया था। इतने दिनों बाद मिले हो, एक कप चाय भी नहीं पिलाओगे? हम दोनों की मुलाकात को पूरे 2 महीने हो गए, फिर भी ऐसा लगता है जैसे आज ही मिले हो। ऐसा क्यों? यही तो प्यार का करिश्मा है, जिसे दो इंसान जीवन साथी बनकर सारी जिंदगी गुजार देते हैं। मुझे कब बनाओगे? क्या जीवन साथी? अरे इतनी जल्दी क्या है, पहले मुझे अच्छी तरह समझ तो लो। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इससे ज्यादा क्या समझना। वैसे भी मैं अपने डैडी की इकलौती बेटी हूँ, इससे पहले कि वो मेरी शादी कहीं और कर दें, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उनसे मांग लो। कब आ रहे हैं वो? कल अमेरिका से उनका फोन आया था, 1-2 दिन में बॉम्बे पहुँचेंगे। मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ बॉम्बे चलो। मुझे इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिलेगी। लंबी छुट्टी की क्या जरूरत है, सुबह प्लेन में जाएंगे, शाम को वापस। ए मैम साहब, बॉम्बे प्लेन से आने जाने का किराया है 2500 रुपए और मेरी तनख्वाह है 2000 रुपए, इसलिए सरकार ने हम जैसों के लिए ट्रेन बनाई है। और सुनो, शादी के बाद तुम्हें भी ट्रेन में ही चलना होगा। तो मेरे साथ हो तो ट्रेन क्या, मैं पैदल भी चल सकती हूँ। That's like a good girl. Oh, you! अंधे होकर गाड़ी चलाते हो क्या? अच्छा खासा आदमी दिखाई नहीं देता। देखो बेचारे को कितनी चोट लगी है। ए, क्या हो गया इधर? बाजू हटो, कौन मारा, कौन मारा? ये सब इस मैडम ने किया साहब। हवलदार साहब, ये गलती मेरी नहीं थी, ये अचानक साइकिल लेके मेरे सामने आ गया। गलती किसका है, किसका नहीं, अंदर जाके पता चलेगा। पहले इसे उठाओ और हॉस्पिटल ले चलो। हाँ चलो, चलो।